अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मसाला पनीर बनाने की रेसिपी। इसमें देखिए, हमको पनीर मसाला बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। ये मेरे पास है आधा किलो पनीर, जिसको मैंने मैरिनेट करके रखा है हल्दी मिर्ची और नमक से, ठीक है। ये है मेरे पास दो टमाटर जो चॉप करे हुए हैं, और ये है मेरा देसी घी जो घर का ही बना हुआ है, देसी घी है। ये है भुना हुआ बेसन 2 चम्मच, ये 2 चॉप करे हुए प्याज हैं। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें जो मसाले डाले जाएंगे वो दिखाते हैं। 1 चम्मच लहसुन का, 1 अदरक, ये है भुना हुआ जीरा 1 चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें जैसे आपको पसंद हो। ये है 2 चम्मच धनिया, ये है हल्दी और ये है लाल मिर्ची। अब आपको हम बताते हैं इसके लिए हमको खड़े गर्म मसाले क्या चाहिए। 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, 4 छोटी इलायची और 2 हमारे ये तेज़पत्ते। ये है हमारा गरम मसाला और ये है कसूरी मेथी जिसको मैंने रोस्ट करके रख लिया है, इसकी ज़रूरत हमको सबसे लास्ट में पड़ेगी। और ये है हमारा हरा धनिया जो कि हम बाद में डालेंगे। चलिए हम सबसे पहले फ्राई पैन चढ़ा के इस पनीर को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे ये हमारा जो है देसी घी, हम इसमें सारे अपने पनीर लगा देंगे। चूल्हा हम थोड़ा स्लो रखेंगे जिससे कि हमारे पनीर नीचे जले नहीं। के लिए इनको एक तरफ होने देंगे, फिर पलट के 2 मिनट के लिए फिर सेकेंगे। अब हम इनको चेक करेंगे, एक साइड हो जाएंगे तो इनको हम पलट देंगे। ये हमारे एक साइड हो गए हैं, इनको हम पलट के दूसरे साइड भी थोड़ा सा सेक लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पनीर जो है थोड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसको हम ऐसा ही रख देते हैं साइड में और दूसरी कढ़ाई चढ़ाते हैं। डालेंगे हमारा घी, घी जब हमारा गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे ये जो हमारे खड़े गरम मसाले हैं, हम इनको डालेंगे। आप चाहे तो तेल से भी बना सकते हैं, लेकिन सच जाने ये देसी घी में बनाने से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और खाने में और भी स्वादिष्ट हो जाती है।
अब हम इसमें डाल देंगे हमारे मसाले, इनको हम थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे। ये हमारे थोड़े गरम मसाले रोस्ट हो गए, अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे दो प्याज जो हमने काट के रखे थे चॉप करके, उनको डालेंगे। इसको हम जब तक भून लेंगे जब तक ये हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। ये देखिए ये हमारी हल्की ब्राउन हो गई है, ज़्यादा हमको ब्राउन नहीं करना है, बस ऐसे ही हल्का से ब्राउन करना है। और यहीं पर हम ये डाल देंगे अदरक लहसुन, और इसको भी हम 2 मिनट भून लेंगे। इसी प्याज के साथ हम ये हमारा अदरक लहसुन भी भून जाएगा, फिर हम बाकी मसाले इसके भूनने के बाद डालेंगे। ये हमारा अदरक लहसुन भी इसमें भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमारे 2 चॉप करे हुए टमाटर हैं, इनको हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम यहाँ पर ये हमारे जो मसाले हैं वो भी हम इनको इसमें डाल देंगे। थोड़ा भूनते हैं इनको। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे कि हमारे मसाले अच्छे से भून जाएं। इसको 2 मिनट के लिए हम भूनते हैं। ये हमारा मसाला भून चुका है, टमाटर भी गल गए हैं और हमारी प्याज भी थोड़ी गल गई है। अब हम यहाँ पर डालेंगे ये जो हमारा बेसन भुना हुआ था, इसको हम यहाँ पर डाल देंगे। थोड़ा इसको भी भूनेंगे। अब हम यहाँ पर डालेंगे पानी। थोड़ा पानी और डालेंगे। ये देखिए जब ये हमारा इसे पकने लगेगा तो अब हम यहीं पर हमारा ये जो हमने पनीर थोड़ा फ्राई करके जो रखा था इसको हम इसमें डाल देंगे। चूल्हा शुरू कर देंगे और इसको अच्छे से चला देंगे।
सब चीज़ तो इसमें पक चुका है, बस खाली इसको 2 मिनट के लिए हम ढककर पकाएंगे कि इसकी तरी जो है और इसका जो तेल है वो निकल आए बाहर और छूट जाए। साइड साइड में जब हमको तेल दिखने लगेगा जब ये तैयार हो। अब हम खोल कर देखते हैं, ये देखिए हमारा पनीर मसाला बनकर रेडी है। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ की कमी है, यहाँ पर हम डालेंगे ये हमारा जो कसूरी मेथी है जो हमने रोस्ट करके रखा है, इसको हम डालेंगे, थोड़ा क्रश करके डालेंगे। और ये जो हमारा गरम मसाला है इसको भी डाल देंगे। और थोड़ी हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए। इसको हम चलाते हैं। ये देखिए हमारा पनीर मसाला बनके तैयार है। हम आपको प्लेट में डाल के दिखाते हैं, चूल्हा बंद कर देंगे। पर हम थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। ये हमारा पनीर मसाला बनकर रेडी है। आप भी अपने घर पर ट्राई करें। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो आप हमको कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।